the join, natural join. And before that, someone raised a question like, what is grand chart or what is art chart? Art chart. Yeah. But thing is that I want to clear one thing. There is no such thing like grand, G-R-A-N-T, that is wrong. Yeah, we have heard about Gantt chart, G-A-N-T-T-C-H-A-R-T, Gantt chart. Okay. So basically, I hope you also got that Gantt chart, because in operating systems, we have actually used this chart, or you can say a kind of graph, to have idea about how those projects, process are scheduled. Right. Can you have you already got the operating system paper or not? Yes, sir. Sir, but we didn't hear the Gantt chart. Then you really missed a very important thing in operating system, because I cannot say that you have gone through the operating system without learning that Gantt chart. ठीक है, अगर आप लोगों ने Gantt chart पढ़ा नहीं है operating system में, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों ने operating system अच्छे से नहीं किया है. इसका reason ये है, क्योंकि क्या है ना, Gantt chart के जरिए ही हम बहुत सारे questions को solve करते हैं. Numerical examples हो गया, और जो भी है gate में आते हैं questions. ठीक है, so you have to have idea about the Gantt chart. एंड मैंने जैसे कि हाँ, आप लोगों को ये सारे चीज शेड्यूलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, शेड्यूलिंग तो आप लोगों ने सुना होगा. यस सर. आप चुप क्यों हो गए? मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ, जिसने भी जो भी जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पूरे क्लास में अगर आप लोगों को Gantt chart नहीं पढ़ा है, तब ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अगर एक दो जन ने पढ़ा था, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा, तब गड़बड़ है. बाकी अगर पूरे क्लास नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये चीज आपका पूरे सेमिस्टर में नहीं पढ़ाया गया, तो तब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, कि इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, तो हम जानते हैं कि OS में शेड्यूलिंग एक चैप्टर है, पढ़ा होगा ये तो शेड्यूलिंग बहुत सुना होगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया. ठीक है, सीधा सीधे इसमें बोलो कि प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह जो है किया था कि नहीं. आप ये मत बोल देना कि ये किया नहीं था. हेलो. यस सर. रेस्पॉन्स तो दो यार. रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सुन रहे हो आप लोग. हाँ सर, कोवा में हम लोग ने Gantt chart जैसे पढ़ा था, जैसे सर एक प्रोसेस आता है टाइम टू में, तो वो जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है वो काम करता है, फिर उसके बाद वो उसका टाइम ओवर हो जाने से वो चले जाता है, फिर नया प्रोसेस जैसे प्रोसेस टू आता है. अरे यही तो है, यही चीज तो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यही तो है Gantt chart. तो आप इस चीज को प्रोजेक्ट के लिए ले लो. वो टर्म्स जो है मैंने यहाँ मेल में देख रहा हूँ वो गलत है. ठीक है, वो Gantt chart नहीं है. Gantt chart होना चाहिए, क्योंकि Gantt chart के जरिए में हम क्या करते हैं, शेड्यूल वाइज, मतलब जो भी ये जैसे आपने कहा कि ये एक टास्क को, मेन टास्क को हम डिवाइड कर लिया. ठीक है, अब इस टास्क को हम इस पर्टिकुलर समय पे कंप्लीट करेंगे. एक्चुअली वी आर शेड्यूलिंग दिस थिंग्स. ओके, और ये एक विजुअलाइजेशन टूल है. सेट में सर ये क्या होगा, टर्म्स क्या होगा उसमें? तो प्रोसेस था, प्रोसेसेस 1 2 करके हम लोग कर देते हैं, और टाइम था एक्स वाई में, तो इसमें सर क्या होगा? इसमें देखो, सबसे पहले ये आपको कब बोला है प्रेजेंटेशन देने? कल देना है सर. सर मैं क्या बोलूं, आप इस, हाँ बोलो सर. बोलिए सर. मैंने देखा था थोड़ा बहुत सर, इसका मतलब टाइम का बारे में देना है सर, कौन सा टास्क कितना टाइम में कंप्लीट होगा सर, मैंने ऐसा देखा Gantt chart में सर. एक एज ए होल वही है, वो Gantt chart का मतलब ये होता है कि कुछ शेड्यूल्स को कब, कैसे, किस समय के अनुसार, मतलब कंप्लीट करोगे. ठीक है, ये यही होता है. बट लेकिन अभी डायरेक्टली में प्रिपरेशन करना, मतलब ये थोड़ा सा सर, ये तो फिर Gantt chart आप तो ऐसे बोल रहे हैं, तो वो तो लास्ट में होना चाहिए था, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का टाइम पे. हाँ सर. नहीं क्योंकि जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो कितना टाइम में कंप्लीट हुआ, तो
जब आप लोगों का प्रेजेंटेशन कल था शायद मैं भी इस मीटिंग में था पर मैंने हालांकि अटेंड नहीं कर पाया तो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ दिया कि ये साहब क्या बोल रहे हो किस किस इसके बारे में पूछ रहे हो आप ये पूछ लेना सही था ना उस समय सर ने हम लोग को फॉर्मेट दिखाया जो रिपोर्ट फॉर्मेट दिखाया फिर उसके बाद मैंने बोला भी ये फॉर्मेट दे दीजिए तो मतलब हम लोग थोड़ा हम लोग को जैसे रेफरेंस मिल जाएगा ऐसे काम करना है बोल के तो सर ने बोला टाइम टू टाइम हम लोग को मिल जाएगा लेकिन सर डेट वाइज तो सर ने प्रोजेक्ट टॉपिक दे रखा है जैसे पहले प्रेजेंटेशन में एसआरएस और एचआरएस फिर उसका गैंट चार्ट पार्ट चार्ट और स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसे लिखना है तो सर ये गैंट चार्ट और स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में मान सकता हूं स्कोप हां सर हां बोलो हां सर ये गैंट चार्ट तो लास्ट में होगा सर जैसे प्रोजेक्ट हम लोग को कंप्लीट कर रहे हैं कंप्लीट होने का टाइम है जैसे हम लोग का लास्ट टाइम में नहीं तो फिफ्थ टाइम का लास्ट टाइम जैसे दिसंबर टाइम में हम लोग को प्रोजेक्ट का पूरा फुल रिपोर्ट देना है तब टाइम में ये गैंट चार्ट अगर मांगेंगे तो हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग इतना टाइम तक काम किया और इतना टाइम हम लोग रिसर्च के लिए लगाया ऐसे कर सकते हैं ना सर पर हाँ मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये लास्ट में होना चाहिए ये ठीक है एक्चुअली कुछ भी ये प्लानिंग का हिस्सा है दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग हाँ कोई मतलब एक सिंपल इसमें आप लोगों को समझा देता हूँ क्या चीज होता है सभी जन होना यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो मुझे देख हाँ सर 18 जन है मतलब आपको मिला के 19 है टोटल ठीक है मैं खुद को भी पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात नहीं तो गैन चार्ट और पार्ट चार्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस हाँ प्लानिंग प्रोसेस मतलब जैसे कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हो उससे पहले थोड़ा अनुमान लगाओ कि ये काम इस समय पे होगा इसके बाद में ये वाला हिस्सा करूंगा इसके बाद वो वाला और लास्ट में ये ऐसे कंक्लूडिंग में आएंगे है ना ऐसा करते हैं हम तो वही चीज हम जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं ऐसे एक प्लानिंग बना लेते हैं कि ये पूरे पूरे होल टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ये जो है ये वाला पार्ट इस समय पे इस शेड्यूल पे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट सपोज जनवरी में कंप्लीट करेंगे लाइक दैट वी प्लान दिस थिंग्स टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर ओके सो व्हाट आई मीन टू से दैट दिस अगेन ए पार्ट ऑफ द प्लानिंग So it's okay, you can give it directly, but it actually takes time to minutely consider all the requirements and how your work will be going or will be carried out, right? So what I mean to say that this will take around, at least if I say that around 15 days of times are needed for making a very good Gantt chart and PAR chart. You cannot just sheet and schedule this thing. सर ये हम लोग फिर एस्टिमेट करके बोल रहे हैं कि इतना दिन में हम लोग कंप्लीट करना टास्क एक प्लानिंग मतलब देखो आप ऐसे बोलोगे जैसे सपोज मुझे गेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है ठीक है गेट एग्जामिनेशन होगा सपोज फरवरी में ठीक है अभी है साल सपोज अभी कौन सा महीना है अक्टूबर आप हाँ तो ये ऐसे प्लान बनाओगे कि अक्टूबर में मैं क्या पढ़ूंगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ूंगा नवंबर में मैं ओएस और ये जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है ये ऐसे ऐसे क्या करोगे प्लान करोगे ना तो इसी तरह पूरा प्रोजेक्ट को डिवाइड करके वो जो सारे टास्क हैं उसको कैसे मतलब प्रोग्रेस कराओगे यही चीज ये दोनों के जरिए हम समझाते हैं हाँ दोनों के बीच दोनों दो अलग अलग चीज है क्योंकि चैट जो होता है ना चैट मतलब क्या होता है चैट मतलब हम सिंपली क्या बोलते हैं चैट मतलब हम किसी को विजुअलाइज करके बताते हैं कि हाँ ये जो पॉइंट से इस टाइप से हैं मतलब लोगों को दिखाते हैं कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है ठीक है तो दोनों ही चार्ट हैं गैन चार्ट और पार्ट चार्ट जो गैन चार्ट हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया था कि कैसे प्रोसेस को एक प्रोसेस आ रहा है दूसरे प्रोसेस आ रहा है वो भी एक गैन चार्ट था उससे हम कैलकुलेट करते थे कि ओवरऑल कितना टाइम लगा राइट तो इसी तरह ये भी एक चार्ट है और इसको भी एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिखाओगे दोनों ठीक है पर दोनों पे डिफरेंसेस हैं वो क्या है गैंट चार्ट आप बार चार्ट जानते हो सुना होगा यस सर हैव यू गाइस हर्ड अबाउट बार चार्ट यस सर तो ये गैंट चार्ट आप बार चार्ट के जरिए दिखाओगे मतलब बार चार्ट का यूज करके बताओगे बट पार्ट चार्ट जो है ना पार्ट चार्ट जो है वो सिंपल है
वो आप क्या करोगे, ब्लॉक वाइज डायग्राम दिखाओगे, मतलब एक नेटवर्क डायग्राम अगर आप लोगों को पढ़ाया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वो नेटवर्क डायग्राम की तरह पार्ट चार्ट दिखाओगे। ये दोनों चीज आपको मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टर्म मतलब या तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाना चाहिए। तो नेटवर्क डायग्राम यूज करके आप पार्ट चार्ट को बताओगे, जो कि एक ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और ये सिर्फ बार चार्ट। बार चार्ट अगर नहीं पता है ना, कुछ नहीं, एक्सेल खोलना, ठीक है, कुछ पॉइंट्स डालना, कुछ कॉलम्स डालना, उसमें पॉइंट्स डालना और इन चार्ट में जाना, वहां पे बार चार्ट दिखाई देगा, तो क्लिक करके देखना, आपके सामने वो बार चार्ट आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सो दैट इज अ बार चार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, मैंने जैसे बताई दिया, ये दोनों ही यूज किया जाता है क्या, मतलब प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग कैसे होगा, मतलब प्रोजेक्ट का जो वर्क्स है, हाउ दे विल बी कैरीड आउट स्टेप बाय स्टेप, देन शेड्यूल बाय शेड्यूल, दिस थिंग्स वी वांट टू शो थ्रू गैंट चार्ट और पार्ट चार्ट। एक्चुअली मैं बोलूं तो यही बोलूंगा कि इन दोनों का एक्चुअली एक होने से भी हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं पार्ट चार्ट, और छोटा मोटा प्रोजेक्ट के लिए गैंट चार्ट यूज करते हैं। फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वी गो फॉर गैंट चार्ट, एंड फॉर स्मॉलर फॉर सम लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वी गो फॉर पार्ट चार्ट। सो आप लोगों का दोनों के बीच में मैं कंसीडर करूंगा, योर प्रोजेक्ट लाइज बिटवीन देम, नॉट ए स्मॉलर वन नॉट ए बिगर वन, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पार्ट चार्ट, ठीक है। बट एज ही इज द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो भी आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, जो जैसे वो बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो फॉर्मेलिटीज टाइप का चीज है, जैसे वो बोल रहे हैं वो ऐसे करोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कुछ भी सीख भी जाओगे। बट जो चीज मैं आप लोगों को करने बोलूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को टाइम डेट दिया है 20 तारीख के अंदर रिव्यू बनाने के लिए, राइट, वो करके जाना, क्योंकि उससे क्या होगा, एक्चुअली प्रोग्रेस उससे होगा आप लोग कि हाँ 20 तारीख के अंदर मुझे क्या करना है कि पिछले जो काम था, व्हाट एवर द वर्क्स वी हैव डन, व्हाट एवर द वर्क्स ऑलरेडी कैरीड आउट इन दिस फील्ड, विल गो थ्रू इट, विल मेक अ डॉक्यूमेंटेशन आउट ऑफ इट। दैट्स द वे हाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो गैंट चार्ट और पैट चार्ट का ये दोनों डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। गैंट चार्ट जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे एक प्रोसेस आया, सपोज मैं टाइम मान के चल रहा अभी कितना 245, ठीक है, 246 में दूसरा प्रोजेक्ट आया, तो ये जो टाइम में जब ज्यादा फोकस करते हैं, वी आर फोकसिंग मेनली ऑन द टाइम, देन एक्चुअली वी आर रिफरिंग द गैंट चार्ट। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ना, जैसे प्रोसेस प्रोसेस एक मान लो P1 आया, P1 अभी 245 PM में आया, प्रोसेस P2, जैसे कि प्रोसेस की बात करूंगा तो ऑब्वियसली ये सब माइक्रो सेकेंड्स में आता है, माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं, तो बहुत कम समय लगता है। तो मैं ऐसे ही सिंपल अर्थ में आप लोगों को समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, 46 मान रहा हूँ, 245 में P1 आया, 246 में P2 आया, बट 245 में P1 आके उसने 3 सेकेंड्स का टाइम लिया अपना प्रोसेस को कंप्लीट करने, तो कितना सेकेंड्स P2 को वेट करना पड़ेगा एंटर होने के लिए, कहाँ पे एंटर होने के लिए, मतलब प्रोसेसर उसको असाइन होगा, वो उस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम P2 हैज टू वेट, 2 सेकेंड्स ना यार, P1 245 में आया था, उसको 3 सेकेंड्स चाहिए वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। P2 आया 246 में, बट 3 सेकेंड होगा सपोज, उसके बाद ही P1 कंप्लीट हो के ये क्या हो जाएगा, वो लीव आउट करेगा, तो क्या होगा, तो इतना समय तो वेट करना पड़ा ना, 2 सेकेंड। तो ये सब चीज हम गैंट चार्ट के जरिए दिखाते थे, अब याद आ गया, कुछ समझ में आ गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मैं सभी जनों को बोल रहा हूँ, मैं बार बार क्या है ना, फिर से आप लोगों के साथ शायद फोन पे बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम प्रेशर वर्क प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो मे बी पॉसिबल दैट आई कैनॉट टॉक टू एवरीवन फॉर फोन, सो दैट्स व्हाई थ्रू दिस क्लास आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग्स। सर हाँ सर, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में सर क्या क्या बताना पड़ेगा, ऐसे तो मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में सर क्या क्या दिखाना पड़ेगा, किस सिस्टम में कर रहे हो, क्या अलग से टेक्निक ये आप यूज करना चाहते हो, सपोज एस फॉर एग्जाम्पल PSP यूज कर रहे हो, ठीक है, PSP हो गया, उसमें जावास्क्रिप्ट, ठीक है,
सपोज मैं पाइथन यूज करके कर रहा हूँ तो पाइथन का कौन सा वर्जन यूज किया है, और सपोज अलग से कुछ इंटरफेस आप यूज कर रहे हो, दिस थिंग्स यू नीड टू स्पेसिफाई सर। हाँ सर, ऐसे सर मतलब जैसे कि कल तो अभी सर पांच मतलब पांच टॉपिक के ऊपर, जैसे टॉपिक मतलब नहीं सर, पांच चीज के बारे में सर प्रेजेंटेशन देना है, जैसे कि सर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, SRS, फिर सर HRS, गैंट चार्ट और पार्ट चार्ट। तो सर अभी मतलब ये सारा का सर कितना कितना वो मतलब स्लाइड होना पड़ेगा, मतलब एक या टॉपिक का एक कम रखना, कम रखना, इतना ज्यादा नहीं। देखो अगर मुझे पूछ रहे हो खासकर और आस्किंग मी डायरेक्टली, ओके सर, बिकॉज़ आई विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट कीप लेस स्लाइड्स। हां सर, आप गाइड होना लेस नंबर बट एक्सप्लेन अ लॉट। ओके, स्लाइड्स कम रखना बट उसको एक्सप्लेन करना, दैट शुड बी द एग्जाम एक्चुअली नेचर ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन। ओके, यू डोंट नीड टू कीप 20 30 स्लाइड्स, यू जस्ट कीप 10 स्लाइड्स, दैट्स एनफ। अगर मैं उस प्रेजेंटेशन में बैठूंगा तो आई विल से दैट्स ओके फॉर मी, बट हाउ एक्चुअली यू आर एक्सप्लेनिंग द टेक्निकल टर्म्स दैट मैटर्स टू मी। यस सर, समझ में आ रहा है? सो कम जो चीज आना ही आता ना वो छोड़ो, वो मत इंक्लूड करना, वो डायरेक्ट उनको ही पूछ लेना, ठीक है? बट yes, बहुत ज्यादा जहां तक चीज इंक्लूड मत कर लेना, ठीक है? तो ये था आपका गैंट चार्ट, मैंने बोल दिया कि उस टाइम में ज़रा फोकस करते हैं। और जब मैंने कहा आप लोगों को पार्ट चार्ट मींस इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क डिपेंडेंसी टाइप ऑफ डायग्राम, मींस हाउ वन शेड्यूल इज वन टास्क इज रिलेटेड टू अदर। सो मैंने ऐसे बोला, मैंने सपोज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूजर्स एंड देन ओनली यू गो फॉर क्रिएटिंग द SRS, ठीक है? SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। So what happened? These two are dependent to each other. I mean, SRS can be made only when you will get the requirements. Hai nahi? So ek dusre se dependent hai. So ek dependency of kind of diagram ko hum part chart ke zariye represent karte hain. The half of the part chart we try to focus on representing this type of dependency. Theek hai? And this I think now up to now this is clear to you that how this part chart and this Gantt chart is actually represented. और ये दोनों जो आप लोगों को नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, Gantt chart और part chart, कुछ नहीं, mathematician थे कुछ, ये थे, उनका नाम से ही ये बनाया गया है, ठीक है? Gantt उनका surname था, Henry L. Gantt, so उसको Gantt chart बोलते हैं। और इसी तरह जो एक pad chart था तो वो भी एक नेवी वाले ने बनाया था, तो उनके नाम से ही ये रखा गया है, तो इसलिए इतना ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। गैंट चार्ट हम जहाँ पे टाइम पे ज़रा फोकस करते हैं, बार चार्ट यूज़ करते हैं, और जो पैड चार्ट हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम एक टास्क दूसरे टास्क के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं वो नेटवर्क डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? दैट्स द ओवरव्यू एग्जैक्टली, ठीक है राजेश, Gautam and all yes, of sir. Them. Yes, okay. Sir. So दे देना presentation अच्छे से, कोई problem नहीं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. जो मैं assign किया हूँ उसको बस थोड़ा थोड़ा करके कर जाना, ठीक है? Means suppose by 20 you actually have to means show this review. Sir. ये documented form, okay? Properly following the yeah this. Sir, एक question था sir. बोलो सर, जैसे कि सर अभी हम लोग सर जो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं सर, हाँ सर, उसका बारे में आपका वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में एक्सप्लेनेशन थोड़ा करना पड़ेगा सर, मतलब जिसमें एक दो लाइन लिख देना वो सफिशिएंट है, कोई ये नहीं है, है ना? जब आपको नेटवर्क इंटरनेट में भी कोई एक सॉफ्टवेयर जैसे सपोज एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हो, ठीक है? सपोज यू आर यूजिंग एडोब फोटोशॉप, तो एक दो लाइन एडोब फोटोशॉप के बारे में लिख देना, बट मैं तो बोलूंगा कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिख डाल दो एडोब फोटोशॉप, दैट्स सफिशिएंट। जैसे कि आप सपोज पाइथन में काम कर रहे हो तो पाइथन के लिए डाल दो एनाकोंडा, दैट्स सफिशिएंट, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस का है उनको ऑलरेडी पता होगा कि ये कहाँ से आया है, राइट? बट फिर भी मैं यही बोलूंगा जो फॉर्मेट जो आप लोगों को दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से, वो फॉलो करना, अल्टीमेटली उसको फॉलो करके आपको थीसिस सबमिट करना होगा, ठीक है? यस सर, बट मोर फोकस ऑन द वर्क। फॉर्मेलिटी अपने हाथ में है, अपने पास में है, फॉर्मेलिटी आपको दिखाना पड़ेगा, बट काम
आप लोगों को करना है वो करते रहना कंटिन्यूअसली, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं रोज पूछते रहूँ, मैं थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ तो मैं नहीं पूछ पाता हूँ, बट आप लोग काम करते जाना, ठीक है। गैप मत करना सर। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लग किसी होगा? ओके, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सपोज इन तुम लोग के सपोज सारीटा प्रोजेक्ट या सपोज यू गाइस आर फोर इन ए ग्रुप, ओके, यू हैव डिफरेंट सिस्टम्स बट यू कंसीडर द सिस्टम विद द हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सपोज आई हैव ए सिस्टम विद 8 GB रैम, ओके, 1 TB रोम, मतलब कितना रैम है आपके सिस्टम में वो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में आएगा, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कितने बिट्स का, सपोज 64 बिट विंडोज 10 आई एम यूजिंग, आई हैव टू स्पेसिफाई दिस, ओके, बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन कमिंग अंडर दैट ऑपरेटिंग ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, बट दैट नंबर ऑफ बिट्स, ओके, दैट रैम एंड रोम साइज, ओके, दिस थिंग्स विल कम अंडर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। और सपोज योर प्रोजेक्ट इज अ काइंड ऑफ IoT बेस्ड प्रोजेक्ट, ओके, some Raspberry Pi or these things you are using, then you need to specify those things. That these are the hardwares that I am using. Is it clear, Amlan? Zipala? Yes, sir. Yes. And sir, abstract तो sir वही use करने से, वही बोलने से होगा ना sir, जो 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 मतलब हम लोग ने sir मतलब mail में मतलब वो Google form में दिया था sir, वही एब्स्ट्रैक्ट देने से होगा या सर दूसरा करके एब्स्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से? एब्स्ट्रैक्ट को एक काम करना, थोड़ा सा और अच्छा बना पाओगे तो ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मींस ए ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर प्रोजेक्ट एट दिस स्टेज, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट में पूरा कंप्लीशन किया नहीं है, तो आप क्या प्लान कर रहे हो, केस क्या चीज, क्या प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हो या क्या नया लाने जा रहे हो, वो चीज के बताना ही होता है एब्स्ट्रैक्ट। आर गेटिंग मी? जैसे आपने सपोज गेमिंग का एक गेम डिजाइन कर रहे हो, ये गेम में बाकी गेम से हटके क्या चीज है, ये चीज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और इस गेम में आप क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और सपोज इस गेम से बाकी सारे गेम में से ये सारे बेनिफिट्स अलग से मिलने के कारण और साथ में ये वाला पॉइंट्स में फ्यूचर में इंक्लूड करूंगा, तो ये तीन चार चीज ही इंक्लूड करना होता है एब्स्ट्रैक्ट में, कम में, इन ब्रीफ एक्चुअली व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दैट प्रोजेक्ट, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर गौतम? यस सर। सर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ओके, সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টস মানে মই সাপোজ এতিয়া মোৰ লেপটপটো ইউজ কৰি আছোঁ, তাত আছে উইণ্ডোজ 10 অপাৰেটিং চিষ্টেম, ঠিক আছে, এই উইণ্ডোজ 10 অপাৰেটিং চিষ্টেমটো মোৰ সফটৱেৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত আহি, কিন্তু মোৰ চিষ্টেমটো সাপোজ 4 GB ৰেম আছে, ঠিক আছে, 4 GB ৰেম আছে আৰু সাপোজ 250 GB ৰম আছে, মানে এক্সটাৰ্নেল তোমাৰ বেলেগ ইউজ কৰিছা, দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং। তো এইকেইটা মই যিটো ক'লোঁ, ৰেম যে মই 4 GB ইউজ কৰি আছোঁ, ৰম যে মই 250 GB চাপ'জ ইউজ কৰি আছোঁ, এইকেইটা মোৰ হাৰ্ডৱেৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। কিন্তু কিছুমান প্ৰজেক্টৰ কাৰণে চাপ'জ তুমি বেলেগকৈ প্ৰচেছৰ কিনিছা, ৰেজবেৰী পাই লৈছা, আৰ্ডুইনো লৈছা, এইবিলাকো তোমাৰ হাৰ্ডৱেৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ভিতৰত আহি যাব। চ' প্ৰজেক্ট অনুসৰি, বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট অনুসৰি তোমালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব। অভাৰঅল ছফ্টৱেৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মানে সেইখিনি বস্তু যিখিনি তুমি ইউজ কৰিবা, চাপ'জ তুমি পাইথন ইউজ কৰিছা, সেইটো ছফ্টৱেৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত আহি গ'ল, ঠিক আছে, তুমি চাপ'জ ASP.NET ইউজ কৰিছা, তুমি জাভাস্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰিছা, তাৰ কি ভাৰ্চন ইউজ কৰিছা, সেইখিনি তোমাৰ তাৰ ছফ্টৱেৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত আহি, হাৰ্ডৱেৰত তোমাৰ চিষ্টেমটো নিজেই আহি যাব এটা হাৰ্ডৱেৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। নাও ইজ ইট ক্লিয়াৰ ছাৰ? বুজি পালা ছাৰ? রোবট বনা রা, ঠিক হ্যাঁ, রোবট সে
जो अभी फिलहाल रोबोट्स हैं उसमें से वो अलग क्या करेगा, या अभी ये सारे जो रोबोट्स हैं सपोज इसमें क्या है, नहीं है इमोशंस, नहीं है, उस इमोशंस को आप अपना रोबोट में लाना चाहते हो, तो आपका जो स्कोप होगा, योर स्कोप विल बी टू ब्रिंग इमोशन टू दैट व्हाट योर डेवलप्ड रोबोट, राइट। तो ये स्कोप के जरिए मतलब क्या क्या चीज रहेगा, मतलब मैं अगर सिंपल ऐसे बोलूंगा तो सपोज आपका रोबोट ऐसा भी कर लेगा, आपका रोबोट सपोज आपके लिए लैपटॉप लेके आ जाएंगे जोरहाट से यहाँ यूनिवर्सिटी, आपका रोबोट सपोज आपके लिए एयर टिकट बुक कर देंगे अपने आप, तो ये सारे स्कोप में आ जाएंगे। सो हेलो, आर यू गेटिंग मी, क्या मैं बोल रहा हूँ बुझी पाए सर? तो स्कोप वही चीज होता है कि क्या फ्यूचर्स रहेगा आपका प्रोजेक्ट का, व्हाट विल बी द फ्यूचर्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, दैट इज द स्कोप। ठीक है सर, आपने जो बोला रिव्यू जैसे करना है, तो उसमें रिव्यू में मतलब लिखना क्या है सर? दैट इज ना, मैं अभी फिर से बता दूं, दैट इज माय व्हाट आई वांट यू टू डू फॉर माय फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज अंडर माय सुपरविजन। ओके, सो रिव्यू में क्या है, सो सम वर्क ऑलरेडी कैरीड आउट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, ऐसा नहीं ना जो रोबोट आप बनाने जा रहे हो वो पहले किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, किसी ने नहीं बनाया होगा, समवन ऑलरेडी क्रिएटेड और डेवलप्ड दोस रोबोट्स, राइट, बट यू हैव टू प्रॉपरली स्टडी व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे मींस हाउ दे हैव एक्चुअली बिल्ट दोस रोबोट्स, हाउ दे हैव डेवलप्ड दोस फीचर्स, दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। इन सिंपल वर्ड्स यू नीड टू मेक मींस व्हाट यू नीड टू perform a study on past few years back research papers where those works being mentioned. इसलिए आपका 4-5 साल के papers जो भी होगा research papers उसको पढ़ना है और उसको note down करना है, main चीज। ठीक है, एक research paper में suppose say गुप्ता नाम के एक जन ने कुछ चीज किया था, उसने कैसे किया, उसमें क्या technology use किया, वो चीज देखना है और उसको लिखना है। ऐसे आप क्या करोगे, अराउंड 15-20 रिसर्च पेपर्स ऑफ द प्रीवियस अर्लियर मींस 5 years यू विल फर्स्ट गेदर एंड यू विल गो थ्रू इट एंड देन यू विल राइट देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, आगे समझ में? यस सर, दैट इज द रिव्यू, योर दिस इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ये करना ही है। अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि इस फील्ड में क्या क्या काम हुआ है, देन यू कैनॉट परफॉर्म, you cannot be sure that what you are doing is totally new or that is not already been done by someone else. ठीक है, पहले वो चीज करना, yes, sir. वो इस तरीके से बता देते हैं, धीरे धीरे करके आज एक थोड़ा सा पढ़ लेना what, और कैसे करना है उसका एक मैं वीडियो लिंक मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, वो देख लेना कैसे करिए, how you need to perform the review portion, I will share a link with you, you go through it and you'll get an idea how to perform, how to write that. Okay sir, is it hello, clear sir. To you or this? Yes sir. Okay, hello, aur puch rahe hain batao sir, ye hardware requirement to sir mane okol itia ram aro internal memory to likhi thole hobo mane nai 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 aro tumar project ji ji thakibo ha sir mane itia মানে এতিয়া হেৰি মানে হার্ডওয়্যারত আকো কি কি লাগিব এনে মানে আপুনি কোৱা কথাটো বুজি পালো মানে এতিয়া আমি এনে হেৰি এনে আমাৰ ওয়েবসাইটত আমাৰ প্ৰজেক্টত এটা ওয়েবসাইট এটা বনাব লাগিব সো স্যার হে ওয়েবসাইটত আকি আমি কি কি লাগিব হেবৰ হার্ডওয়্যারটো বেলেগ একো নাই অকমান সাধি কৈছা তুমি কাৰ আন্ডাৰ আছা তুমি স্যার মনোজ স্যার আন্ডাৰ ওকে তেখেতৰ লগত তুমি আবাৰ মানে কনসাল্ট কৰি লবা যে তোমাৰ ইয়াত কি কি বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে হা সো মানে এনে মই জনা মতে মানে এনে নরমালিটো আমাৰ সি হার্ডওয়্যারটো সাফ যে এটো প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছা প্ৰচেছৰ মেইনটেইন মেনশন কৰিব লাগিব আই ফৰগট টু টেল ইউ সামথিং দ্য প্ৰচেছৰ ইউ নিড টু মেনশন সাপোজ আই এম ওয়ার্কিং অন এ প্ৰচেছৰ সে দিস ইজ দ্য i5 ওকে i5 ইজ মাই current processor, suppose you are using i7, so these things also you need to mention,
বুঝি পাইছা? হ্যালো, ওকে, ইয়েস, দিস প্রসেসর ইজ এগেইন পার্ট অফ দা হার্ডওয়্যার. Again, I am telling you, this is what I am telling it to you. These are my points of view or from my own experience. Your project supervisor or the project coordinator of this university may tell you something different. What I am telling you is actually what I have learned or what I know about these projects as a whole from my own experience. ठीक है, जो मुझे समझ में आता है ये चीज के बारे में तो वो आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. शायद आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कुछ और बोल देंगे तो बेटर है कि आप उनसे भी ये थोड़ा सा ये करके पूछ सकते हो. ठीक है, एज ए होल जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई भी गलत नहीं है, वही सारे यूनिवर्सिटी और एनआईटी आईआईटी में यही चीज फॉलो करते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर सर? আৰু এটা ডাউট আছিল স্যার, পার্ট চার্ট আৰু গ্র্যান্ড চার্ট স্যার এখন আকো মানে এক্সট্রাকে বনাব লাগিব অটোমেটিকেলি তোমাৰ সেই ডায়াগ্রামটো তেনেকে গেন চার্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ বাৰ চার্টখিনি ওলাই যাব. ঠিক আছে, পাৰ চার্টৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ চার্টটো বহুত ইজি হয়, তুমি প্ৰজেক্টৰ ওপৰত আইডিয়া আছে জাষ্ট ব্লকছ বনাই যোৱা, ব্লকছ বনাই পেলাই বস্তুখিনি এইটো প্ৰজেক্টৰ এইটো টাক্স ইটো টাক্স টি ওৱান টাক্স সেনেকৈ কৰি পেলাই জাষ্ট এৰ'য়ে কানেক্টেড কৰি দিব লাগে. অ'কে, পাৰ চার্ট ইজ ভেৰি মানে অলপ আইডিয়া থাকিলে প্ৰজেক্টটো নিজে বনাই ল'ব পাৰিব. আৰু এনেকুৱা টুলছ বহুত আছে, মানে তাত অকণমান যদি অনলাইন টুলছ অপেন চ'ৰ্চ টুল বুলি তাই মাৰি দিয়া তেনেহ'লে পাই যাব. ঠিক আছে স্যাৰ, সেইটো এমাহ দুমাহ বছৰ অবভিয়াছলি মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো বেলেগ হ'ব. তুমি কাৰণ এতিয়া প্ৰজেক্টত সোমাইছাহে, লাহে লাহে তুমি কাম কৰিবা, তুমি আগবাঢ়িবা. চ' ৱেন দ্য টাইম একচুৱেলি প্ৰগ্ৰেছেছ দেন আই উইল চি দ্য কমপ্লেক্সিটি অৰ আই উইল চি দেট হাউ একচুৱেলি টাস্ক আৰ গ'য়িং অন. বাট উইদিন টু ডেইজ হোৱাট ইউ উইল শ্ব' টু মি দেট উইল বি মিনচ টোটালি একচেপ্টেবল ফ্ৰম মাই চাইড. জাষ্ট যদি তাত see that is okay. Haan, that's also I don't have any idea. Bolo sir, jaise kal diya hua hai 8 aur 9 ko 2:30 pm ko de rakha hai sir. Punnendu sir to pura hi SCS department ka project coordinator hai na, to sab ka check karne se to sir kitna zyada time lagega na. Agar guide wise check karenge to sir aapka jaise 5-6 jan ka group hai to aap 5-6 jan ko le lenge, फिर मनोज सर का 5-6 जन का ग्रुप है, मनोज सर 5-6 जन को ले लेंगे, ऐसे होगा ना कि पूरा ही सर देखेंगे मतलब हां सर बोलो इसमें और सर बीच में से सजल सर भी आ जाएगा. आई डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट दैट हाउ द मींस अरेंजमेंट विल बी डन. ओके, ओनली थिंग आई नो दैट इफ देयर इज अ कॉल फॉर मी दैट या दीपक सर नीड्स टू अटेंड दैट then I will attend that, of course. Okay, or thank you sir. Okay, aur ek sabko main bolna chahta hu, sare jitne bhi mere students hai sabko bolna chahta hu, chahe mere andar ho ya kisi ke bhi andar ho, guide se thoda sa ye rakhna, theek hai, kyunki aapke guide ke upar hi pura depend karega yes is. Aur project coordinator ke sath attach isliye rakhna kyunki wo format ho gaya, jo bhi extra tasks hoga, theek hai, so related to some formalities, that things only he can give you the idea about that how to actually maintain that format. But about that work, about the tasks, that you have to directly contact your guide on. Theek hai, bujhi pala? Yes sir. Okay sir. So I think sir, that's sufficient for today. Yeah. Yes sir. Questions? Thank you. Oh, good. Kuna hai. Yes, someone I think wants to ask question, please. Okay, matu nai kya hoy, it's not a problem.
सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे सर। ओके आई विल अपलोड दिस सेकंड की गैंट चार्ट और पार्ट चार्ट में कंफ्यूजन। ओके ओके नो प्रॉब्लम आई विल अपलोड दिस सो बेस्ट ऑफ लक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मेरा आशा है कि आप आएंगे हम लोग का प्रेजेंटेशन में। हां सर। ओके ओके आई विल ट्राई। सर।